चलिए हम इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 40 डिग्री है तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कंफ्यूजिंग सम है आपका, क्या कंफ्यूजन है इसमें, वो बोल क्या रहा है आपसे कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसका कि एक न्यून कोण आपको 40 डिग्री है। तो समकोण जब त्रिभुज होगा तो एक कोण तो ऑलरेडी उसका 90 होगा। देखिए चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज हमारा कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है जिसका कि एक एंगल कितना होता है 90 होता है। तो एक एंगल तो हमको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, वो बोल रहा है समकोण त्रिभुज है और उसका एक न्यून कोण कितना है 40 डिग्री है। तो मान लीजिए ये जो एंगल बी है ये कितना है 40 डिग्री है, तो बोल रहा है दूसरा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि एक एंगल जो होता है वो तो हमारा राइट एंगल होता है और जो बाकी के जो दो एंगल्स बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो जब वो न्यून कोण होते हैं तो क्या हो जाएगा कि देखिए जब एक 90 हो गया, एक न्यून कोण आपको कितना दे रहा 40। देखिए जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर बी नंबर ही बी एंगल जो है वही 40 माना है, आप सी को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमने सी को माना तो सी 40 हो जाएगा, बस तब भी हमको बी फाइंड आउट करना होगा। तो क्या करते हैं कि चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमें सी फाइंड आउट करना है ना इसमें। तो चलिए इसमें वही फॉर्मूला अपना लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पहले तो इसमें हम वो लिखेंगे जो हमें गिवेन है। इसमें क्या गिवेन है, देखिए हमने इस ट्रायंगल को क्या नाम दिया है अपना, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है आपको, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया है। और पूछ क्या रहा है आपसे, एंगल सी पूछ रहा है। तो वही फॉर्मूला हम अपना लगाते हैं, क्या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है 40 डिग्री है, एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है और 180। 90 में 40 हमने प्लस किया तो कितना हो गया 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो 130 ये किधर जाएगा, 180 की साइड जाएगा और ये इधर देखिए प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ये शो इसमें नहीं हो रहा है कि ये प्लस का है, बट जिस भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं दिया होता है वो डिजिट हमेशा प्लस की होती है। तो ये 130 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 डिग्री, तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0, 8 में 3 गया 5, कितना आ गया 50 डिग्री। तो आंसर डालेंगे और क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए अब हम अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए त्रिभुज के दो समान कोण, क्या बोल रहा है, दो कोण है जो इसके समान है, में से एक की माप कितनी दे रहा है आपको 65 डिग्री दे रहा है। तो बोल रहा है कि अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन जो है आपका कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजन वो क्रिएट कर रहा है, बोल रहा है दो समान कोण है, जब दो कोण समान है तो उसमें एक कोण जो है वो हमारा अगर 65 है तो दूसरा भी तो 65 ही होगा। देखिए वो तो क्लियरली बोल रहा है इसमें कि दो समान कोण है, कैसे कोण है, दोनों समान है। तो जब उसमें बोल रहा है एक की माप कितनी है 65 है तो ऑलरेडी दूसरा वाला भी 65 ही होगा। तो बोल कह रहा है अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ये एंगल ए है जो हमारा ये 65 है और हम ये बोलते हैं कि जो एंगल बी है हमारा
और ए है, ये दोनों क्या है, समान है। तो जब ये दोनों समान है तो जो एंगल ए 65 का है तो एंगल बी भी 65 का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्यों बात है, क्योंकि वो क्लियरली हमसे क्या बोल रहा है, दो समान कोण है, कोण दो इसके समान है, तो ए और बी क्या है, समान है। मान ली दोनों 65 के हैं तो बोल रहा है अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है एक कोण हमको दिया है 65, बोल रहा है बाकी के दो कोण ज्ञात करने हैं। तो जब दो कोण ज्ञात करने हैं, उसने तो सीधे बता दिया है हमको कि दो कोण समान है। तो जब एक कोण 65 है तो जो दूसरा समान कोण है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। गिवन क्या है, एक कोण की माप इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि मान लीजिए हमारा एंगल ए और बी क्या है, दोनों बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल बी कितने हो गए 65 डिग्री के। ठीक, जब ये दोनों 65 डिग्री होगा तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें सी फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 65 डिग्री, एंगल बी भी हमारा 65 डिग्री, एंगल सी हमको फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। फाइंड ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो जब माइनस करेंगे कि 0, 8 में 3 गया 5, देखिए कितना आ गया 50 डिग्री। आंसर डालेंगे एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 65 और एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए हमने यहां पर दोनों लिख दिए आंसर में, इसलिए क्योंकि उसने आपसे दोनों एंगल्स पूछे हुए थे। अब देखिए ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। अभी इस एक्सरसाइज में इसी तरह के और भी सम्स हैं जिनको कि आप इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही एक्सरसाइज 17.2 पढ़ेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके ये, और इनमें देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपकी एफआईडी लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल ए क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसमें हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें देखिए एंगल बी आपको कितना दे रहा है, 70 डिग्री दे रहा है, एंगल सी आपको कितना दे रहा है, 40 डिग्री दे रहा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल ए पूछ रहा है। तो जब एंगल ए पूछ रहा है, तो जब मैंने कल आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था इसका, तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखते हैं। चलिए इसको पहले तो हम वो लिखते हैं जो हमें इसमें गिवेन है। क्या गिवेन है, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया है हमको। और फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
जिसमें कि एंगल ए हमको दिया ही हुआ, तो एंगल ए हम एज इट इज लिख देंगे। बी आपको दिया है 70 डिग्री, सी दिया है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 704 11 यानी कि 110 इज इक्वल टू 180। देखिए ये इधर जो 110 है ये हमारा प्लस का है, जब ये इधर प्लस का है तो ये 180 की साइड में जब जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। माइनस करते हैं इसको तो देखिए जीरो में जीरो गया जीरो, एट में वन गया सेवन और वन में बन गया जीरो। तो आंसर डालेंगे और क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दिया है, ट्रायंगल एलएमएन। अब ट्रायंगल का नाम उसने देखिए चेंज कर दिया है, क्या दिया है, एलएमएन दिया है। एलएमएन में क्या दिया है, एंगल एम आपको 120 दिया है, एन आपको 30 दिया है और एल आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले तो मान लीजिए कोई ये एलएम देखा है, बोल रहा है जो एम है वो कितना है 120 डिग्री है, तो मान लीजिए 120 है तो इधर जाएगा हमारा। इसके बाद एन आपसे बोल रहा है ये जो है ये कितना है 30 डिग्री है, देखिए ठीक। तो ये मान लीजिए हाँ ये एम है ये कितना है 120 डिग्री है और जो एन है वो 30 डिग्री है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, क्या दिया है आपको, एंगल एम इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो वैसे जब हमारा त्रिभुज एबीसी होता है तब उसमें हम लोग लिखते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, बट यहाँ पर उसने ट्रायंगल का नाम हमारे चेंज कर दिया है, क्या चेंज किया है, एलएमएन एन दे दिया है। तो क्या कर देंगे हम लोग, एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एल आपको उसने दिया नहीं है, एम दिया है 120 दिया है और एन कितना दिया है 30 दिया है। तो ये देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, 120 में हमने 30 को प्लस किया तो कितना आ गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था कि ये 150 जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो कितने काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 180 में जब हमने 150 को लेस किया तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। आंसर डालेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल एल इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए ये सब हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।